तेरी मेहर नाल तारना गुरु जी अस तेरी मेहर नाल तारना तेरी मेहर नाल तारना गुरु जी अस तेरी मेहर नाल तारना ओ तेरी मेहर नाल तारना सतगुर पूरन ब्रह्म है सतगुर आप लेख सतगुर रमता राम है जामे मीन नमेक सतगुर दाता देते हैं सतगुर दाता देते हैं ज्ञान ध्यान वैराग जो नर लागे बंदगी तनके मोटे पाग टूटियां रूहां नूं साधो रब नाल जोड़दी Yeah.
श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमय बाणी संत मंडल मंगलमय मूर्ति माता बुदेवियो प्रेमी सज्जनों आप सब संगतां बड़े ही उत्तम कर्म वाले हो भागा वाले हो जो कि अठ दिनों तो लैके हर साल की तरह अठ दिनों तो लैके सतगुरां दी बाणी दे सन्मुख बैठ के महापुरखां दी याद धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज धन धन बाबा मीहा सिंह जी महाराज उन्हां दी पवित्र मिठी याद मना रहे हो। अठ दिनों तो लैके अनेक ही रब दे प्यारे महापुरख हंस रूप आप सब संगतां नूं उपदेश दे रहे ने। महापुरखां ने बाबा अमरीक सिंह जी महाराज उन्हां ने उपराला करिया अपने गुरुआं दी मुरसदां दी याद दे विच ये समागम रंभिया है। दास ने एक दिन पहला भी बेनती करी सी कि इहदा प्रयोजन की है कि जेड़ा जीव परमेसर दे नालों टुट चुके है अपनी होंद दे नालों टुट चुके है अपने आप नूं भुल चुके है वो दोबारा जान जावे। जितने महापुरख आए अठ दिनों तो अनेक महापुरखां दीआं मिसालां दे के महापुरखां दे जीवन बाबत सुना के ये समझाउण दी कोशिश करी हे दुनिया दे लोको आ महापुरखां दा जीवन देखो जिन्हां ने अपने मुरसद दे बचन दे उपर पहरा दिता बंदगी करी सिमरन करिया तपस्या करी जो नर तो नारायण रूप बन गए जिन्हां नूं महाराज कह के पुकारिया जांदा है जिहड़े संसार दे मनां दे उपर राज करदे ने मन दे विचों इही आवाज आउंदी है जिस तरह आपां इस स्थान ते आए हां धन बाबा आनंद सिंह जी जिन्हां ने जिहो जिहा नौ उहे जिहा ही जीवन आनंद प्यारे ओ दुनिया दे विच हर एक शब्द का उल्टा शब्द है जिथे दुख है उत्थे सुख है उल्टा है जिथे सच है उत्थे झूठ है हर एक शब्द का उल्टा शब्द है प्यारे आनंद शब्द का कोई उल्टा शब्द नहीं है। तुसीं दुनिया के कितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लो आनंद शब्द का उल्टा शब्द ही नहीं कोई है संसार दे विच। अजे महापुरखां ने अपने गुरुआं दे कोलों बख्शीस लैके जिहो जिहा ना उहे जिहा ही आनंद प्राप्त करिया है पर सौखा नहीं मिलिया आनंद बड़ी तपस्या करी। महापुरख दसदे सी ना कि सारी सारी रात जल दे विच खड़ के तपस्या करी सारी सारी रात केस बन के तपस्या करी गल्लां दे नाल नहीं
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੂ, ਦੋ ਚਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਖਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਬਸ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਸੰਪਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੀ ਲਾਈ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਚੌਰੇ ਝੱਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕਰਿਆ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਾਮ ਪਿਆਰੇ। Oh,
महापुर कहिंदे गल्लां दे नाल पहुंचिया नहीं जाना धाम, कमाई करनी पऊ। बाबा आनंद सिंह जी महाराज जी ने केस बन के निंद्रा नूं त्याग के भुख नूं त्याग के केस बन के तपस्या करी। बाबा मीहां सिंह जी महाराज जी ने तपस्या करी, महापुरख दसदे सी ना, कहिंदे घर दे विच रह के जिस तरह गरीबदास महाराज कहिंदे गाडी वाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साई सिर पर राखिए सही भगत हर लाल। कहिंदे घर दे विच रहिंदे उस परमेसर नूं याद रखो। बाबा मीहां सिंह जी महाराज, महापुरख दस रहे सी बाबा अमरीक सिंह जी, कहिंदे घर दे विच पिता जी दे नाल कार करदे ने, कम करदे ने। कहिंदे जदों रात नूं पाणी लाउणा ना फसल नूं, अज कल दा तां युग खत्म हो गया, हुण तां पाणी दी लोड़ ही नहीं, बस मोटर दा बटन दब के आ जाओ। पहलां कस्सियां दे पाणी, नहरां दे पाणी पिया करदे, जां खूह चलिया करदे। कहिंदे महापुरखां ने जदों पाणी लाउणा ना सारी रात नके ते खड़की, महापुरख दसदे सी कहिंदे 200-200 पाठ जप जी साहब दा कर देना, कोई थोड़ी जी गल नहीं प्यारे हो। आठ दिन हो गए रौनकां लगदियां नूं, जे तुसीं एक खंड पाठ करा लो ना कितें, वह भी 5-7 साल बाद ही हुंदा, साल मगरों तां कोई उह कराउंदा है। डैल घूम जांदे ने सारे परिवार दे, आ देख लो 8 दिन हो गए, हर साल समागम हुंदे ने। उन्हां महापुरखां दी कमाई नूं इह सिजदा हो रही है प्यारिओ। 200-200 पाठ जप जी साहब दा एक नके ते खड़के कर देना, कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं। बाबा ईसर सिंह जी महाराज राड़ा साहिब वाले कहिंदे प्यारिओ नहर दे विच खड़के 101 जप जी साहब दा पाठ करके फिर जल पाणी ग्रहण करदे सी। एवें नहीं ना हुंदे महापुरखां दे प्यारिओ, गल्लां दे नाल नहीं, क्योंकि संसार दे विच अटैचमेंट करके तो ना अखबारां दे विच टीवी दे विच आके तो थोड़े दिन की वड्याई हुंदी है, पर जिहड़े महापुरख तपस्या करदे ने बंदगी करदे ने उन्हां नूं सदीवी काल तक उन्हां नूं संसार याद करदा है। याद की करदा है? महापुरख अमर हो जांदे ने, जिथे कोई याद करदा फिर उत्थे हाजिर हो जांदे ने। अज महापुरखां दीआं यादां एवें नहीं, असीं तां सिर्फ बस इत्थे तके खड़ गए, अज महापुरखां दी याद मना रहे हाँ। तुसीं तकरीबन कुछ सेवक तो यह जे होणगे जिहड़े लगातार 8 दिन आए ने, कुछ वधदे 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 रोज़ वधदे गए। प्यारिओ जिन्ने बैठे हो तुसीं ये झाती मारो, सच बोलियो, महापुरखां दा जीवन सुन के किन्नियां किन्ने हिरदे दे विच धारण करिया भी मैं इन्ने जप जी साहब दे पाठ करिया करूँगा। करिया जिन्हां ने करिया हथ खड़े करो, सच बोलियो, सतगुरां दा दरबार है, कोई नहीं करिया। पता की है, असी तो मनोरंजने बना लिया, बुरा ना मनियो, किन्नियां ने धारण करिया है ते प्यारिओ फिर भाल दे की है, भाल दे की है। जां फिर वह हथ खड़े करियो जिन्हां ने कोई बकार सड़ता है 8 दिनां च, क्रोध नूं त्यागिया होवे। महापुर कल कहिंदे सी ना तप बारे, धीरज बारे, महापुर कल उपदेश दिंदे सी, कल आउण वाले तां खासे सी, सारी भरिया पिया सी पंडाल। किन्नियां ने मन दे विच विचार करिया है कि असी आ पाप त्यागता है, कोई ऐसी भावना बनाई नहीं प्यारे हो, बस इत्थों ही मार खा गए। सब कुछ मिल सकता है, सारा कुछ सतगुरु तो प्राप्त हो सकता है। बाबा आनंद सिंह महाराज जी ने गुरु घर दे विचों तुसी देखो कित्थे कित्थे बैठ के तपस्या करके सब कुछ उन्होंने कोल आ गया। असी कहने असी गुरु घर तां जाने हैं जी, अरदासां भी करते हैं ते सानू कुछ प्राप्त नहीं हुंदा, कारण की है, असी गुरु दी इक भी नहीं मनते, एक बचन नहीं मनते। आ हुण प्यारिओ देख लो, एक भी हथ नहीं खड़ा होया किसी ने भावना बनाई होवे भी इन्ने पाठ जप जी साहब दे करके जां मूल मंत्र दे करके असी बाणी पढ़ के फिर असी प्रसादा सकांगे। इसे करके प्यारिओ गल्लां दे नाल नहीं, कल्ले रमाले दे नाल नहीं कुछ होना, गल चेते रखियो।
जैसे कलस कुम्हार का ऊपर चित्र अनूप वस्तु नहीं तिस मध में जैसे जल बिन ऊप। जे आपां कहीए नीलियां चिट्टियां पीलियां लाल पग्गां बन के खानी रब मिल जू कुछ नहीं होना कितने भुलेखे च रह जावो। जैसे कलस कुम्हार का कहिंदे जिवें कुम्हार दा घड़ा है उहदे उपर बहुत रंग बिरंगे डिजाइन बनाए होंदे ने। हुण तां घड़ियां दा रवाज खत्म हो गया है, किते किते रखे होंदे ने भी पता लग जाए भी आह साडी पुरातन चीजां सी। इसे तरह जैसे कलस कुम्हार का उपर चित्र अनूप वस्तु नहीं तिस मध में जैसे जल बिन ऊप। कहिंदे जिवें जल तो बिना खूह है इहो जिही उह घड़ा है। ओ प्यारे जिहड़ा गुरसिख चाहे किसी भी संपर्ता दे नाल जुड़िया है जिहदे उहदे अंदर कुछ ज्ञान है नहीं, उहदे अंदर कोई भावना है नहीं, उपरों जिन्ना मर्जी दिखावा करी फिरी जावे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। ताही महापुर कहिंदे बिना विवेक जिन भेख लिया रे अकल गई नहीं नाम ना हो रहा। कहिंदे बिना विवेक तो भेख लै लिया अंदर निहचा करिया नहीं। कई लोग देखो देखी ना गुरु वाले बनते ने, देखो देखी भी चलो आपां भी कोई कहिंदा अमृत छक लिए, कोई कहिंदा साधुआं दे जांदा आपां भी नाम लै लिए जिवें सिद्धि संपर्त है, पर प्यारियो वचन एक भी नहीं मन्निया ते प्यारियो प्राप्त की होना। बिना विवेक जिन भेख लिया रे अकल गई नहीं नाम ना हो रहा। कहिंदे अकल चली जानी है एवें हंकार दे विच बनिया फिर जिन्हें लो जी मैं तां सिख हां, लो जी मैं तां हिंदू हाँ, पर प्यारियो विच कुछ भी है नहीं। ते प्यारियो अकल भी चली जाती है, नाम तां जपना ही दूर की गल है। चतराइया दे नाल लड़ाइया दे नाल परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा तो प्रेम दे नाल मिलता है, भावना दे नाल मिलता है, कमाई दे नाल मिलता है। इसे करके महापुर कहिंदे नहीं मिलना नाल चतराइया दे, नहीं मिलना नहीं मिलना नाल चतराइया दे। परमात्मा नहीं मिलना उहदे वास्ते सब तो पहला तो प्रेमा भगती ते फिर तप करना पऊगा, भावना रखनी पऊ। असी भी निंद्रा भी त्याग दिने आ पर साडी भावना नहीं बनती। जिन्हां ने पाया जिन खोजिया तिन पाया गहरे पाणी पैठ, मैं बाबरी ढूंढण गई रही किनारे बैठ। कहिंदे जिन्हां ने खोजिया उन्हां ने पाया गहरे पाणी बैठ, कहिंदे उन्हां ने
समुंदर दी सतह दे विच थले उतर गए जिन्हां ने कुछ पाया है। मैं बाबरी ढूंढण गई रही किनारे बैठ, जिन्हां ने खोजिया उन्हां दियां यादां बन गईयां। पर प्यारे असी समुंदर दे किनारे भी चले गए, असी महापुरखां दी संगत दे विच भी आ गए, असी घरां तों चल के भी आ गए, तेल भी फूक लिया, सब कुछ कर लिया, पर असी किनारे ते बैठे रह गए। असी कोई संकल्प ही नहीं करिया प्यारे, असी कोई भावना ही नहीं बनाई भी असी भी कुछ करिए। एडे एडे महापुरख हो गए, उन्हां दे जीवन नूं देख के असी भी कुछ करिए। गुरु ने साडे ते खुश नहीं होना, कितें भुलेखे दे विच रह जाइए। बड़ियां भैड़ियां जूनियां ने, बड़ा मार्ग कठिन है, असी वो बाणी नहीं पढ़ना चाहते। जमका ठेंगा बुरा है वह नहीं सहयो जाए, जाए कहिंदे वो ठेंगा जमां दा सहा नहीं जाना। तुसी प्राण पढ़ के देखो, गरड़ प्राण, पता लगूगा भी केड़े केड़े नरकां राही जांदा, फिर भय आउंदा सी, उधर नूं जांदे ही नहीं। गुरबाणी दसदी है किधर किधर नूं जीव नूं छिटिया जाना, किहो जिहियां जूनियां मिलनियां ने। पर असी नहीं कहिंदे, असी हुण कहिंदे आ इह जग मिठा ते अगला कीणे डिठा, खाओ पियो मौज करो, बस अगे तां किसे ने देखिया नहीं। प्यारियो जदों धर्म राजे ने लेखा मंगना, बड़ा औखा जवाब देना हो जांदा है। इसे करके गुरु पीर सानू दिन रात उपदेश दे रहे ने। आ जो समागम ने कहिंदे कोई तो जाग जावे, किसे नू तां सोझी आ जावे, पर असी कैसे हाँ, असी बस उपरों दिखावा करी जाने, भगत बनी जाने, पर भगती साढ़े अंदर दृढ़ है नहीं। दासा तन हिरदे नहीं, दास नाम धरावे दास, पानी के पिए बिना बुझे ना जीव की प्यास। कहिंदे दासा तन तां हिरदे दे विच नहीं, भावना हिरदे दे विच नहीं, नौ दास धरा लिया, सेवक कहा लिया, सेवा दे विच दृढ़ नहीं। कहिंदे पानी के पिए बिना, जदों तक असी पानी नहीं पींदे साडी प्यास नहीं बुझ सकती, सानू शांति नहीं आ सकती, सानू वह महापुरखां वाला आनंद नहीं आ सकता, वो महापुरखां वाली साडी जय जयकार नहीं हो सकती। दास ने अगे भी कई बार बोले है, वह प्यारे वो जेड़ा सिमरन करदा बंदगी करदा ना, वह चौहां कुंटां दे विच प्रगट हो जाता, जिन्ना मर्जी सुपके रहे। बाबा आनंद सिंह जी सुपके ही रहे, जंगलां दे विच ही रहे, अज सारी दुनिया दे विच उन्हां दा नाम है। तुसी देखिया होना है, दास अगे भी बेनती करदा, सोनू कदे पुछिए कि तुसी कबीर साहब जी नूं जानदे हो, तुसी कहोगे हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दे विच गुरु कबीर साहिब महाराज जी दी गुरबाणी है। तुसी सारा ही इतिहास दसण लई श्लोक भी बहुत चेते होणगे कबीर साहब महाराज जी दी बाणी दे। प्यारे हो सानू पुछिए रविदास जी बारे जानते हो, हाँ जी, चमार जाति दे विच पैदा होए ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे बाणी दे विच बाणी दर्ज है, सारे कहोगे ना। सानू पुछिया जावे तुसी धन्ना जी नू जानते हो, तुसी कहोगे हाँ उन्हां नू भी जानते हैं। सारे भगतां दा नाम लै लो, तुसी कहोगे सारियां नू जानते हो, नामदेव नू भी जानते हैं, उन्हां दी भी बाणी है, फलानी जगह होए ने, सारियां दा डाटा सुना दोगे। पर प्यारे हो जे सानू पुछिया जावे कि तुसी कबीर साहिब महाराज जी दे टाइम, रविदास जी दे महाराज जी दे टाइम, उस समय दा जिहड़ा राजा सी उहनू जानदे हो, उहदा कोई नाम जानदा है, वह राजे दा जिहदी उस समय हकूमत चलदी सी, जिहदा सिक्का चलदा सी, जिहदा सारे संसार भर दे विच नौ सी, तुसी अज उहदा नौ जानदे हो, तुसी कहोगे जी इतिहास पढ़ना पऊगा, कोई ग्रंथ देखना पऊगा, तां उहदा नाम दा पता लगना। प्यारिओ जिहदे घर दे विच रोटी नहीं सी पकदी, कई कई डंग भुखे भी सौंदे सी, रहण वास्ते कुल्ली ओ सी, मकान भी नहीं सी चजदा, उहनां नूं सारा संसार जाणदा है। पर साडी उल्टी सोच होगी, असी संसार नूं जनाउणा चाहुणे आ भी साडे कोले धन होवे खानी तां सानूं संसार जाणू, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੋ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕੌਣ ਵੱਡਾ, ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ।
महात्मा लोग जिन्हां ने बंदगी करी सिमरन करी है वो सारियां नो बड़े ने ऐसे करके महापुर कहंदे सोई है बड़ा जिसने राम ले बुलाई है जिस राम ने बुलाई कहंदे जी ने परमेसर दे नाल ले बुलाई हुई है पर पारियो ये संसार है जेड़ा ये धोखे दे विच है ये जिहड़ी यथार्थ गल है उहनू ये समझना नहीं चाहुंदा है जिहड़ी झूठ गल है उहदे नाल ही प्रीति पाउणा चाहुंदा है जिहनू मिल के सुखां दी प्राप्ति होनी है उह तों ये दूर हुंदा है ते जिहनू मिल के इहनू दुखां दी प्राप्ति होनी है उहदे नेड़े नू हुंदा जांदा है इसे करके दिन रात यह कल्प रहा है महापुरखों दीयां यादां मना रहे हैं महापुरखों ने एक राम दे नाल लिवलाई प्रभु की बंदगी करी सिमरन करिए जो गुरबाणी के अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करदा है जां बतीत करेगा उहनूं शांति मिलजू सुख मिलजू नहीं तो प्यारिओ जमां दी मार खाणी पैणी है चोटां खाणियां पैणगियां दुखां दे दरवाजे ते जाना पऊगा दुखां दे दरवाजे ने नीच जूनियां भैड़ियां जूनियां नसेध जूनियां ने जिहड़ियां इह मनुखां जन्म है जिहड़ा सारियां नूं उत्तम जूनी है जे अज अपने गुरु की अपने मुरसद की गुरबाणी की गल ना मनी फिर बड़ियां चोटां खाणियां पैणगियां दास ने बोलिया सी जिस दिन अगे कीर्तन करिया है कि जे गुरु पीर दी ना मनी फिर बड़ा भयानक दुख मिलना है जिहड़ा झल भी नहीं होना है नसेध जूनियां मिलनगियां जिहड़ियां जूनियां नूं तदकारिया जांदा है जिहड़ी जूनी का जे नौ लैके किसी नूं बुला लीए ना बड़ा दुख मनदा है कुत्ता कह दीए गधा कह दीए
कहिंदे बड़ा जीव दुखी हुंदा वी मैनू ऐ कह के क्यों बुलाया है। महापुर कहिंदे सतगुर गंगा नंद जी महाराज बोलिया करदे भूरी वाले, वह कहा करदे जो माटी का महल है खाक मिलेगा धूड़, साई के जाने बिना गधा कुत्ता सूर। कहिंदे मिट्टी का महल है ये खाक दे विच रुल जाना है, जो माटी का महल है खाक मिलेगा धूड़, साई के जाने बिना। कहिंदे जे वह परमेसर नू ना जानिया फिर की होना, गधा कुत्ता सूर। कहिंदे उहनू भेड़ियां जुनियां प्राप्त होनिया ने, बाजी अपने हथ दे विच है। सतगुरु जी सानू रोज जगाउंदे ने, रोज समझाउंदे ने, पर गुरु की असी गल मनना ही नहीं चाहते। असी गुरु नू पिठ दे देने, गुरु दे आखे नहीं लगते, असी संसार दे आखे लगते हैं। जिहड़ा सानू रोज दुख दिंदा है, जिन्हें सानू सुख देना उस पासे नू जाना नहीं चाहते। किसे सेठ दे दो बच्चे बाहर चले गए, एक कनेडा चलिया गया, एक अमेरिका चलिया गया। हुण जिहड़ा सेठ है वह सेठ ने मन दे विच विचार करी कि मैं अपने पुत्रां नू चिट्ठियां पावां, अपने बच्चों नू मैं संदेशे भेजा कि भाई तुसी आ कम करियो, मैं चिट्ठियां पावां संदेशे भेजा कि तुसी आ कम करियो। हुण सेठ ने बड़े मुंडे नू भी चिट्ठी लिखती ते छोटे पुत्र नू भी चिट्ठी लिखती। जिस तरह सतगुरां ने सानू गुरबाणी दिती है, एक संदेशा दिता है, सानू उपदेश दिता है कि हे प्राणी आयो लाहा लैन, लगा कितक पकड़े सब मुकदी चली रैन। तेरा समा दिनो दिन खत्म हुंदा जा रहा है, तेरी औध घटदी जांदी है फुटे हुए घड़े वाग, तू संसार ते कादे वास्ते आया है उसनू जानन की कोशिश कर। सतगुरां ने संदेशा भेजिया है। इसे तरह वह सेठ ने चिट्ठी लिखी, बेटा बड़े पुत्र नूं लिखी आ वस्तुआं खरीद। जिमें गुरबाणी कहती है, जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन कर पाया। महापुरखां दी हट दे उपर जाके, महापुरखां दे दरबार दे उपर जाके आ वस्तु खरीद, जिहड़े वखर दा तू व्यापार करन वास्ते आया है, परमेसर दा नाम जपण वास्ते आया है। सारियां जूनियां पता नहीं किन्नियां जूनियां भोगियां, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है बर ब्रिख जो, पता नहीं इन्नियां जूनियां भुगतियां। हुण तैनूं मनुखां जन्म मिलिया, तू जाके महापुरखां दी संगत दे विच जाके संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जिहड़े जन्मां जन्मां दे तैनूं दुख लगे ने सारियां नूं खत्म कर लै महापुरखां की संगत करके, हरी जस करके। हुण सोनू तां 8 दिन हो गए हरी जस करदियां नूं, जदों पुछिया भी संकल्प किहने करिया, इक ने भी नहीं हथ खड़ा करिया, आए भी हाँ। वह सेठ के पुत्रां वाली गल होगी कि सेठ के दो पुत्र बाहर चिट्ठी लिखी, पुत्रो तुसीं विदेशां दे विच गए हो, आ वस्तु खरीद के मैनूं भेजो, आ वस्तु लैके आयो। हुण बड़े पुत्र ने की करिया, पिता जी की चिट्ठी पढ़ी, बड़े सत्कार दे नाल अदब दे नाल चुम्मिया कि मेरा पिता जी का संदेशा आया है। जिस तरह बाबा आनंद सिंह जी महाराज, बाबा मीहा सिंह जी महाराज, उन्होंने सतगुरां की बाणी उहदा बहुत सत्कार करिया है, ते उहदे विचों गुरु नानक देव महाराज जी नूं देखिया, मेरे बापू का संदेशा आया है, ते उहदे उपर विचार करिया। वह सेठ दे बच्चे ने विचार करिए, वह चिट्ठी पढ़ी, तो जो जो पिता जी ने लिखिया सी वह सारा कर्म कर लिया, जो जो उसने मंगिया सी, जो जो मंगाया सी, ते वह सारा कुछ बापू नू अपने पिता नू भेजता। जिस तरह गुरबाणी कहती है भी तू आ कर्म कर, आ कर्मां दा त्याग कर दे, जिहड़ा जीव उस अनुसार चलदा है। वह बड़े पुत्र ने सारा समान अपने पिता जी नूं भेजता, पिता जी कोले पहुँच गया, पिता जी बहुत प्रसन्न होए, ते प्यारे हो दूसरी चिट्ठी छोटे पुत्र कोल चली गई। प्यारे हो चिट्ठी तां पहुँच गई, बड़ा चाव चढ़िया, मेरे पिता की चिट्ठी आई है, मेरे बापू की चिट्ठी आई है। वह चिट्ठी नूं मत्थे दे नाल लाउंदा, चुमदा,
नमारी दे विच रख ली ते धूफा देनिया शुरू कर लिया प्यारियो खोल के पढ़ी नहीं बचारी नहीं वो भी उत्थी है विदेशां दे विच है समा लंघ गया अज दोने पुत्रां नू अपने घर परतन का समा मिले है जिवें संसार ते आए आपां ने भी जाना एक दिन वापस दोने पुत्र वापस आ रहे ने अपने पिता कोल बड़ा पुत्र आया है पिता ने अपनी गोद दे विच लिया अपने सीने दे नाल लाया है सीने दे नाल ला के प्यार करिया है तू मेरे पुत्र अखवाउण दे लायक है तू मेरे पुत्र कहाउण दा हकदार है बड़ा खुश होया है पिता नू चाह नहीं चक्किया जांदा अपनी गोद दे विच अपने विच लीन करिया है ते दूसरा पुत्र वो भी विदेशों आया है बड़ी टौर फौर कढ़ी है प्यारियो जदों आया है ना सामने पिता ने पिट कर ली सोचता मैं बाहरों आया पिता ने पिट फेर ली बड़ी देर बाद आया भज के जिधर नू पिता जी का मूंह सी उधर होया पिता ने दूसरे पासे नू पिट फेर ली उधर होया दूसरे पासे नू फेर ली मोड़ के कहिंदा मैं भी तो बाहरों आया पिता जी मैनू मिलदा काते नहीं पिता जी कहिंदा तू मिलन दे लायक नहीं कहिंदा क्यों दूसरे नू जफियां पाउणा है कहिंदा मैं जफियां नहीं पाउणा वो आग्ञाकारी पुत्र है तैनू चिट्ठी पाई सी नाल लैके आया पिता जी आ देखो चिट्ठी मैं तो धूफा दिंदा रहा 10,000 दियां धूफा चलाती मैं तेरी चिट्ठी ते वो कहिंदे तेरी धूफा नू की करां जे चिट्ठी पढ़ के किसी कम्मे ना लई इसे तरह दे अपा प्यारियो बाबा आनंद सिंह महाराज जी ने गुरुआ ने संदेश भेजिया उन्हू पढ़िए उन्हू बचारिए उदा सत्कार करिए अपने जीवन दे उपर ढालिया बंदगी करी सिमरन करिए अपने मुरसन दा बचन मन्निया बाबा मीहा सिंह महाराज जी ने गुरुआ दा उपदेश गुरुआ ने सतगुरां दी बाणी दित्ती उन्हू पढ़िए बचारिए उपदेश करिए जीवन लेखे दे विच लाता वो तो महाराज बन गए लीने हो गए उन्हां दे विच पर प्यारे चिट्ठी अपां नू भी आई है असी पढ़ सुन के अणडिठे ही कर दिंदे आ बई बस कुछ नहीं दिखावा जरूर कर लैंदे आ सोहणे सोहणे कपड़े पा लैंदे आ उपरों बहुत सोहणे खालसे सज जांदे आ पर जैसे कलस कुमार का उपर चित्र अनूप वस्तु नहीं तिस मद में जैसे जल बिन कूप प्यारियो जिहड़ा गुरुआं दे वचन मन्नदा है जिन्हां ने मन्निया उन्हां दी जय जयकार हुंदी है संसार दे विच जदों संसार ते रहिंदे ने तां भी संसार पूजदा है जदों इह पंज भौतिक शरीर त्याग दिंदे ने तां भी संसार पूजदा है जदों तक दुनिया रहूगी उदों तक सतपुरखां दा नौं रहूगा अपना नौं नहीं किसे ने लैणा सब भुल जाणगे अपने प्यो दादे चले गए 44 सन दे विच दसदे आ महापुरखां ने शरीर त्यागिया 44 दे विच अपने भी प्यो दादे ने किसे ने त्यागिया हो आपां तां फोटोआं भी घरों बाहर कढ़तियां होणगियां भी कितें प्रेत बन के दुखे ना दिंदा होवे प्रेत बन के दुखे ना दिंदा होवे ओ जिन्हां ने गुरुआं दा वचन मन्निया असीं उन्हां दे अगे फरियादां करदे आ उन्हां दे सरूप घर दे विच रखदे आ भी इन्हां दा सरूप पिया हो कोई प्रेत भी नहीं करे बड़ूगा कारण की है जिन्हां ने वचन मन्निया इसे करके गुरबाणी कहिंदी है जय जयकारी उन्हां दी होवे जिन्हां ने हर का नाम जपे
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਸੁੱਖ ਹੋਤ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਏ ਮਹਾਂ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਲਪ ਲਵੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੌਨ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲਾਹਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਹੈ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦੇਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵੈਰਾਗ, ਜੋ ਨਰ ਲਾਗੇ ਬੰਦਗੀ ਤਿਨਕੇ ਮੋਟੇ ਭਾਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਰ ਲਾਗੇ ਬੰਦਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਦਾਤਾ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਜ ਬਣੀ। Oh, oh, oh.
कृपी तेरे चरणा दी मग दे असी ता प्रीति तेरे चरणा दी मग दे प्रीति तेरे चरणा दी मग खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।